हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। ग्रामीण क्षेत्र में समाचार दर्शन की ग्राउंड रिपोर्ट, क्या मिल रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है। सच दिखाते हैं हम ताकि दुनिया की बाजार में इंसानियत का सौदा सस्ता ना पड़ जाए। पात्र लोगों को मिले योजनाओं का लाभ, जो हमसे हो सके ऐसे मुद्दों को उठाते हैं हम, तभी तो सच दिखाते हैं हम। देखिए जमीनी हकीकत से जातिराम की ये रिपोर्ट, सहयोगी कुर्बान मलिक। मैं आपका स्वागत है। समाचार दर्शन की टीम जमीनी हकीकत मुद्दे दिखाती है। आज हम सरसावा ब्लॉक के ग्राम पटना में हैं। यहाँ पर आवास योजना के कुछ मकान दिखाए गए हैं। हम जानना चाहते हैं ये मकान आवास योजना किन किन लोगों के मिले हैं और किस किस तरीके से इन लोगों को इस चीज़ का लाभ मिला है। हाँ जी जी, आपका नाम? संजो जी। ये आप ही के नाम से मकान बना है जी। ये आप ही के नाम से जैसे मकान बना है, सरकार ने इस पर कितना पैसा दिया आपको? 1,20,000। इस प्रकार से 3 किस्तों में पैसा आता है। आपकी तीनों किस्तें पूरी आ गई? जी, तीनों किस्तें आ गई। और फिर भी अधूरा पड़ा है, ऐसा क्यों? जो तो मेरी थोड़ी उससे ही पड़ा है, तो मैंने ही कर रखा। और क्या क्या लाभ मिला है इस सरकार में, जैसे कि सरकार के 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, क्या क्या लाभ मिला है आपको? क्या क्या मिला? हमें तो सही ही मिला, और क्या लाभ, हमने कोई लाभ नहीं मिला। और आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। राशन कार्ड है जी। सही नाज मिल रहा है जी। जैसे कि लोगों की शिकायत है यूनिट काटने की, यूनिट कट रही है आपकी? हाँ, पूरा पूरी ना कट रही, यूनिट दो कट रही। अच्छा, दो यूनिट राशन डीलर यूनिट काट कर नाज देता है आपको जी, कट रही दो। और राशन में चढ़ावा है जी? ना, राशन में नहीं, वो नु कह रहा है, हमने 2-3 बार कागज दे दिए वहाँ अपने बच्चों के, तो कह रहे चढ़ जाएंगे। अब तक तो चढ़े नहीं है। हमारे बच्चे भी 14 साल की होगी मेरी लड़की, उसका भी नहीं अब तक। एक लड़का मेरा 4 साल का होगा, उसका भी नहीं चढ़ा अब तक। और जैसे शौचालय आ रखी है सरकार की तरफ से, शौचालय का लाभ मिला है आपको? शौचालय नहीं है हमारा। हाँ जी, आपको शौचालय का लाभ मिला है? मिला था, हमें तो मिला था। हाँ जी, आज जोर से बोलो आप। देखिए ये आपके मुद्दे, आपके आवाज उठाने के ही काम करते हैं। आपको शौचालय या सरकार की तरफ से किन किन योजनाओं का लाभ मिला? हमें तो शौचालय का ही लाभ हुआ। राशन मिल रहा है सही? राशन तो सही मिल रहा। अच्छा, देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ माता जी। हाँ, माता मिला है। राशन कार्ड है आपका? हाँ, है। राशन मिल रहा है? हाँ। और आपकी पेंशन भी बन रही है? नहीं। क्यों, कितनी उम्र आपकी? उम्र तो मेरी 60 साल का, कोई 50 साल नहीं। वो आधार कार्ड में कितनी उम्र है? 60 साल। आपकी पेंशन नहीं बन रही है? नहीं, कट गई। कट गई है? हाँ, पहले से आ रही थी? हाँ, आ रही थी, 3 साल हो गए, कट गई। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी राशन कार्ड की तो यूनिट दो कम मिल रही है, और महिला जो है एक 60 साल की बुजुर्ग महिला है हमारे साथ हैं, उनकी पेंशन पहले आ रही थी, अब कट गई है। ये देखने वाली बात है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं और भी हमारे साथ बैठी हैं। हाँ जी अम्मा जी, क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी जी, आपको सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं मिल रही है? कुछ नहीं मिला भैया मुझे तो। और आपका जो ये राशन कार्ड है, राशन कार्ड सही चल रहा है? राशन पर अनाज मिल रहा है? हाँ जी, वो तो मिल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास तो 5 है लड़के ना। हाँ, 5 है सारे, 5 बच्चे हैं। हाँ। क्या आपका आवास योजना में नाम आया है? ना आया। मकान बना हुआ है आपका? शौचालय मिला आपको? ना भैया। प्रधान की कार्यश्रेणी में कोई कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला भैया, हम तो अपने नौता बनाए मकान। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बताया तो दिए थे 5। अच्छा, देखिए और भी महिला हमारे साथ है जी। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? सोशन जी, क्या सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है वो आपको मिल पा रही है? ना जी, हमें नहीं मिली। आपके आवास योजना का और शौचालय जो बने, शौचालय बन रहे हैं? शौचालय नहीं बना आपका? हमारे नहीं बने, हमारे तो पिलखाने पीने की चीज़ बनवाई। देखे यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी शिकायत है, शौचालय नहीं बन पाए हैं। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जिनके शौचालय नहीं बन पाए, और पेंशन की भी बहुत समस्या है। हमारे साथ और भी गांव के लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? नीरज सर। नीरज सर, जैसे कि ये गांव में लोगों की समस्या है, क्या आप इस सरकार से खुश हैं? देखो, सरकार तो बहुत कुछ दे रही है लेकिन जनता तक बहुत कम पहुंच पा रहा है। ये जो गांव है आपका पटना, इसमें प्रधान के द्वारा क्या क्या कार्य हुए? प्रधान के काम में एक तो गांव में जो आवास बने ये बने, और जी दूसरा शौचालय बने। कुछ लोगों के रह गए, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जो ना बने। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आए हैं यहाँ पर, वो सही पूर्ण रूप से इन लोगों तक पहुँचे? जी पहुँचे।
और सामुदायिक शौचालय बना हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल बना हुआ है। सही चल रहा है? बिल्कुल। और ये राशन कार्ड की शिकायत है, आप के मोहल्ले की बात है, राशन कार्ड की शिकायत आ रही है? ये थोड़ा डीलर की कमी है जी। अच्छा, डीलर की कमी है? बिल्कुल, वो नलको नहीं चढ़ा रहा, यूनिट नहीं चढ़ा रहा लोगों की, इस वजह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि इसमें प्रधान का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो डीलर का है, डीलर को करना चाहिए। और प्रधान की जैसे लाइटें होती हैं और हैंडपम्प वगैरह होते हैं, वो तो सही है। और स्कूल का निर्माण होता है, क्या वो सही काम हो पा रहा है? स्कूल में बिल्कुल कंप्लीट है, आप देख एक बार नज़र मार लियो, चेक कर लियो, उसमें लग गया। जो अब लाइट लगी है वो भी चल रही हैं, सभी चल रही है। एक आधी बंद होगी वो भी चालू करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे साथ गाँव के लोग मौजूद हैं, हमने जाना है यहाँ पर, यहाँ गांव की स्थिति क्या है, और इस स्थिति को जानने के बाद जैसा लगा है कि यहाँ पे लोगों की राशन कार्ड के प्रति समस्या है, और जो आवास योजना में मिले हैं, आवास योजना के मकान 3 किस्त आने के बाद भी संपूर्ण नहीं हो पाए। जुड़ रहे समाचार दर्शन में, कुर्बान मलिक के साथ जातिराम की खास रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अभी रिपोर्ट दिखाई है, सरसावा ब्लॉक के पटना ग्राम में हमारे साथ जनप्रतिनिधि वसीम प्रधान मौजूद है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो प्रधानी का कार्यकाल गया है उसमें उन्होंने कितना कार्य कराया है। जी प्रधान जी, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्यकाल में कितना काम हुआ अभी? जी हमारे कार्यकाल में जी जैसे कि शौचालय है, और पिछले पुराने आवास जो रुके हुए थे वो बने। यहाँ स्कूल में पहलीकरण, यहाँ जी सभी कमरों में बहुत गंद मिश्रा था स्कूल के अंदर, सब साफ से भी टॉयलेट नहीं, उसमें भी काम चल भी रहा है, अभी धुरा है। और ये जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही है, क्या आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हैं? जी बने हैं। कितने मकान बने हैं सर? जी हमारे उसमें 7 मकान बन चुके हैं। और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था हुई है आप गांव? जी हो गई। सही काम चल रहा? जी सही चल रहा काम। जैसे घर घर जल योजना का जो सरकार की तरफ से चल रहा है, क्या उसमें कार्य बना है कुछ? जी उसमें भी सभी हो गया, कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा ही रह रहा है जी, घर घर पानी पहुंच हुआ। सरकार जो सामुदायिक शौचालय पर महिला टेकर को करती नियुक्त करती है, क्या वो सही काम कर रही है आपकी? जी सही काम कर रही है। और क्या कार्य कराए आपने? और तो जी बस यही जी, टंकी बनने से पहले तो क्या नाम 4-5 RCC की सड़कें बनाई हैं। RCC का कार्य किया है। और जैसे आप हैंडपम्प रिपेयर हुआ है, हैंडपम्प का दिखा है, हैंडपम्प रिपेयर जी, हैंडपम्प रिपेयर भी कराए हैं, और न्यू भी बने हैं जी, न्यू भी रिबोर भी कराए हैं, न्यू रिबोर जी और भी कराने हैं। और जैसे गांव में राशन कार्ड राशन चल रहा है, उसमें गांव वालों की कुछ समस्या, जैसे आप गांव में जाते हैं, गांव के कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, क्या उनकी समस्या आपके सामने आई? नहीं अभी किसी ने कोई शिकायत तो करी नहीं।